आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हम मुकेश कुमार, हम इस समय मौजूद हैं माहौल नगर पंचायत क्षेत्र में, और यहां पर हमारे साथ जो है पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इनका राय क्या है पत्रकारों को लेकर, और क्या समझते हैं पत्रकारों के बारे में, क्या जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं नसीम अहमद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य माहुल जी। तो क्या पत्रकारों को आप क्या समझते हैं, पत्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? पत्रकार इस समाज के एक स्तंभ हैं। हर आदमी पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात उच्च अधिकारियों तक। आप बता रहे हैं कि पत्रकार यहाँ आईना दिखाने वाला काम करता है, तो फिर उसके साथ शोषण क्यों होता है? ऐसा है, समाज में हर लोग बराबर नहीं होते। एक हाथ में पांच उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी होती हैं। तो पत्रकारों में भी सब लोग एक समान जैसे नहीं होते, ना पब्लिक में एक समान जैसे हैं। तो जो लोग, कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो उनको लोग गलत नज़र से देखते हैं। पत्रकार और जो लोग अच्छे हैं, निष्पक्ष हैं, उनकी कदर लोग करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं कि वो समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं। कोशिश होती है कि दबे कुचले लोगों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाना, तो उनके साथ फर्जी मुकदमे क्यों? अब ये तो प्रशासन की बात है, इस ये बात आप प्रशासन से पूछिए कि आखिर हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे क्यों होते हैं। अगर इसी तरह पत्रकार के कलमों पर पाबंदी लगती रहेगी तो पत्रकार कैसे दूसरे के जबल जो दबी कुचली आवाज़ है उसको उठाने का काम करेगा? कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, हतोत्साहित हो जाएगा, जो सच्चाई है उसको दिखा नहीं पाएगा। आप देखिए, एक पत्रकार रवीश कुमार भी हैं जो आज चर्चा में हैं, उन्होंने उससे एजेंसी से इस्तीफा दे दिया, दबाव में काम नहीं करेंगे, निष्पक्ष काम करेंगे। तो पत्रकार जो निष्पक्ष होगा वो आईने की तरह से चमकता रहेगा। जैसे सोने को गड्ढे में फेंक दीजिए तो ज़रा सा बारिश होगी तो उसमें चमक आ जाए, तो उसी तरह अच्छा पत्रकार जो है वो चमकता रहेगा हमेशा। इतना भी उसके ऊपर कुछ भी कोई कर ले, कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे तालाब में एक मछली अगर गंदी है तो इससे आप कोशिश लगा सकते हैं कि पूरे तालाब की मछली गंदी है? बदबू पूरे तालाब से आती है। एक मछली अगर गंदी है, मर गई उसमें तालाब में, तो बदबू पूरे तालाब से आती है। तो पत्रकार का कार्य क्या होगा? पत्रकार देखिए, जो अच्छा पत्रकार है हर लोग जानते हैं, वो अच्छाई को लेकर चलेगा। लाख उसके ऊपर जुल्म हो, ज्यादती हो, कुछ भी हो, FIR हो, कुछ भी हो, लेकिन वो निष्पक्ष समाज की लड़ाई लड़ता है, लड़ेगा। जी, जो हमारे हैं इनका कहना है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है वो किसी के बाप से भी नहीं डरता और वो अपने पत्रकारिता से अपने नहीं कतराएगा। हमारे साथ एक भैया और हैं जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि इनकी क्या राय है पत्रकारों को लेकर। भैया, क्या नाम है आपका? फूलचंद पांडे। कहाँ के रहने वाले? गुमकोठी के। तो आपका क्या राय है पत्रकार को लेकर? पत्रकार तो समाज को आगे बढ़ाने का काम, जागरूकता पैदा करने का काम दबे कुचले लोगों में ये सब पत्रकार करता है। तो भैया, ये जो पत्रकारों के साथ मुकदमा हो रहा है, आए दिन उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर आपका क्या राय है? अब इस पर हम लोग क्या राय दे सकते हैं? समाज में एक तरह के लोग तो है नहीं, हर तरह के लोग हैं। तो समाज की सेवा करने के लिए, दबे कुचले आवाज़ को अगर उठाने के लिए पत्रकार इस रणभूमि में उतरा है, तो अगर उसके साथ मुकदमा होता है तो उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाएगा कौन? अब पत्रकार तो सबकी आवाज़ पहुंचाता है, तो उनकी आवाज़ पहुंचाने वाला कौन है? अब मुकदमा का जब उसके नाम हो जाएगा, हाँ, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध तो शासन पे आप लोगों को करना होगा ना, शासन स्तर से आप लोग खुद करेंगे। अरे नहीं, पब्लिक कहाँ वहाँ तक पहुँच जाएगी? आम आदमी है, आम आदमी की आवाज़ उठाने का काम पत्रकार करता है, तो अगर पत्रकार का साथ आम आदमी नहीं देगा तो कौन देगा? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा? पब्लिक दे ही रही है, सब लोग थोड़े वो कर रहे हैं, जो गड़बड़ लोग हैं वही विरोध कर रहे हैं पत्रकार का। बहुत बहुत धन्यवाद।